नमस्कार दोस्तों, मैं ओमकार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ नई दिल्ली से। आज मैं आया हुआ हूँ लाजपत नगर। ये एरिया बेसिकली आप देख सकते हैं, वैसे तो ये एरिया जाना आता है रेसिडेंशियल एरिया है, काफ़ी पॉश एरिया है। और आपने लाजपत नगर को अभी तक मूवीज़ में ही देखा होगा, जो विकी डोर मूवी आई थी उसमें लाजपत नगर में ही रहते थे मिस्टर आयुष्मान खुराना। तो काफ़ी पॉश एरिया है, काफ़ी अच्छा एरिया रेसिडेंशियल एरिया, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव एरिया है। बट यहाँ पे भी एक खाने की बहुत अच्छी शॉप है, ये पीछे ही मेरे है, आप देख सकते हैं दोलमांडी के मोमोज। मैंने कुछ रिकमेंडेशन मुझे मिले थे कि आप एक बार यहाँ पे भी ट्राई करिए, काफ़ी अच्छा मोमोज मिलते हैं, दिल्ली के बेस्ट मोमोज यही मिलते हैं दोलमांडी लाजपत नगर सेंट्रल मार्केट। और हमने सोचा एक बार ट्राई करते हैं कि यहाँ का टेस्ट कैसा है। वही शॉप में चलते हैं और जानते हैं आपको दिखा देता हूँ। ये है दोलमांडी मोमोज लाजपत नगर सेंट्रल मार्केट, और ये भीड़ आप देख ही सकते हैं। कुछ तो ऐसा टेस्ट है यहाँ पे, पूरी दिल्ली पागल है, लड़कियाँ और लड़के के सारे लोग पागल है यहाँ के मोमोज ट्राई करने के लिए। तो वही शॉप में चलते हैं और जानते हैं इसका टेस्ट कैसा है। हमारे ओनर से यहाँ का किचन है और ये यहाँ पे मोमोज लेने के लिए इतनी लंबी लाइन लगती है। ये इसका प्रिपरेशन मेन्यू है जिसके मोमोज सारे स्टॉक करे गए हैं। कुछ लोग ट्राई कर रहे हैं, इनसे जानते हैं इनको टेस्ट कैसा लग रहा है। आपका नाम? जी मेरा नाम विपुल है। आप क्या ट्राई कर रहे हैं? जी मैं आज वेज मोमोज ट्राई कर रहा हूँ। ओके, तो उसको टेस्ट करें, बताइए टेस्ट कर। जी टेस्ट करिए। इसका टेस्ट जो है काफ़ी अच्छा है, खासकर जो यहाँ की चटनी है वो और जगह आप खाएंगे वहाँ से थोड़ी अलग है, इसीलिए शायद लोग यहाँ पे इतना खाने भी आते हैं। और यहाँ के मोमोज के अंदर की जो फिलिंग है वो भी काफ़ी अच्छी है। ओवरऑल टेस्ट कैसा है? ओवरऑल टेस्ट बढ़िया है, अच्छा है, सब थोड़ा डिफरेंट है। आप कौन से मोमोज ट्राई कर रहे थे? जी मैं आज वेज स्टीम्ड मोमोज ट्राई कर रहा था। तो ये हमारी प्लेट आ चुकी है, हमने ऑर्डर किए थे वेज स्टीम मोमोज, ये आप देख सकते हैं। आइए उसको टेस्ट करते हैं और उसको जानते हैं इसका टेस्ट कैसा है हमारे हिसाब से। वैसे तो ये शॉप आप देख सकते हैं, इसमें बिल्कुल भी कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे रख के खाया जा सके, तो इसलिए साथ में यहाँ पे कार पार्क थी, तो हम लोग यहाँ पे ट्राई कर लेते हैं, जिसको अपना अड्डा बनाते हैं। तो आइए इसको ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि कैसे दिखता है ये स्टीम मोमोज, आप देख सकते हैं। इसमें काफ़ी सारे जो हैं वेजिटेबल्स की फिलिंग करी गई है, जो चटनी है वो काफ़ी अच्छी दिख रही है। इसको टेस्ट करते हैं और इसको और डीपली जानते हैं कैसा है इसका टेस्ट। मैंने सुना था काफ़ी डिफरेंट टेस्ट होता है यहाँ के मोमोज का, तो मुझे ट्राई करते हैं। तो ऐसा ही डिफरेंट ही एक्सपीरियंस हो रहा है यहाँ। अभी जो स्टीम मोमोज हेल्दी होते हैं तो हम लोग हेल्दी ही ट्राई करते हैं। तो अभी अच्छा इसमें वो आ रहा है, इसमें जो धनिया पत्ती और इसके साथ जो अदरक की फिलिंग करेंगे, जिसकी वजह से इसमें और भी काफ़ी सारे रैंडम इंग्रेडिएंट्स मिक्स हैं, जिसकी वजह से काफ़ी अच्छा टेस्ट आ पा रहा है। चटनी जो मैंने दिखाई थी आपको, चटनी का टेस्ट एकदम ही अलग है, जैसे कि तीखी बिल्कुल भी नहीं है। जो आप नॉर्मल मोमोज की चटनी होती है काफ़ी तीखी होती है, वो तीखी बिल्कुल नहीं है, टेस्ट काफ़ी अच्छा है। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है, थोड़ा सा और डीपली अंडरस्टैंड करने, थोड़ा और टेस्ट करते हैं। ओवरऑल एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है और फीलिंग काफ़ी अच्छी करी गई है, बिल्कुल भी अनहेल्दी नहीं है। और क्योंकि स्टीम्ड है तो इसमें फ्राई नहीं किया गया है और प्रॉपर मात्रा में इसको स्टीम किया गया है, इसमें धुआं मतलब इसमें उबाला गया है, इसको काफ़ी अच्छा टेस्ट आ रहा है इसके। वैसे तो ओवरऑल फिल्म काफ़ी अच्छा। ये वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उस वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ शेयर करें। आप कोई सवाल हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए और छोटा सा बेल आइकन उसको दबाइए, ताकि जब भी मैं ऐसे डिलीशियस फूड वीडियोस पोस्ट करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिलती रहे। और स्टे ट्यून्ड, मैं आप सबके लिए ऐसे ही फूड वीडियोस लेके